सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल में, किसी टॉप। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट एग्जाम के बारे में, नीट स्कैम के बारे में, एनटीए स्कैम के बारे में, क्या करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या आगे होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या आपकी काउंसलिंग पे स्टे होगा, क्या आपका री एग्जाम होने वाला है, सारी चीजें जो भी इस समय करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर एनटीए की तरफ से हो, हम सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास लो स्कोर आया है और अब जो भी स्कोर आया है उस हिसाब से आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपने लिए, क्या इंडिया के लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या बाहर के लिए देखना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं आपके नीट एग्जाम से लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि नीट एग्जाम में पहले तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स ऐसे आए कि हाँ कंफर्म हुआ कि पेपर लीक भी हुआ। चाहे अगर हम पटना की बात करते तो वहां पर एक FIR भी हुई आपके एग्जाम के एक दिन पहले। फिर उसके बाद जब आपका OMR सीट्स आई तो उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले कि बच्चों की दूसरी OMR सीट आई हुई है वो आई नहीं है, बहुत सारे बच्चों की OMR सीट ही प्रोवाइड नहीं करी गई है। बताया गया एनटीए के द्वारा कि उनके तरफ उनको जो OMR सीट मिली है वो कटी और फटी OMR सीट मिली है, ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिली है। फिर जब रिजल्ट आया जो कि आपकी 14 जून को आने वाला था, उसको 4 जून को किया गया, उसमें सारी चीजें का खुलासा होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि उसमें मोर देन 67 स्टूडेंट्स का सेम स्कोर, मतलब टॉप रैंक वन आया है। अगर हम स्कोर की बात करते हैं 720 स्कोर आया है, जो कि ये इम्पॉसिबल है आपकी अगर हम इंडिया नीट के एग्जाम की बात करते हैं तो। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर सिर्फ 2 स्टूडेंट टॉप 720 मार्क्स लेके आए थे। वहीं पर अगर हम उससे पहले 2022 की बात करते हैं तो 2022 में आपके सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट 720 मार्क्स लेके आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो गया कि 720 मार्क्स वो भी 67 स्टूडेंट से कैसे पॉसिबल हो सकता है इस साल। फिर उसके बाद उसमें देखा गया कि 8 स्टूडेंट्स जो थे वो सेम एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स थे जिनका 720 स्कोर आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय बन गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर उसके बाद तो हद तब हो गई जब आपका 718 और 719 स्कोर आया, जो कि स्कोर कार्ड में देखा गया, जो कि इम्पॉसिबल है अगर हम नीट के सिस्टम की बात करते हैं, मार्किंग की बात करते हैं तो। क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो एक सही पे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और अगर एक गलत होता है तो आपके 5 मार्क्स कटते हैं, सॉरी 1 मार्क्स कटता है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं कि अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन भी छोड़ा होगा तो आपका 5 मार्क्स कटे होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि आपके 718 या 719 मार्क्स आ सके। अगर हम सेकंड हाईएस्ट मार्क्स की बात करते हैं वो आपका 715 हो सकता है या फिर आपका 716 हो सकता है, बट वो 718 और 719 नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब आती रही सामने तो ये चीजें पता चलती रही कि हाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम होता है वो दिखाई दे रहा है एनटीए की तरफ से। बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल मेरे पास आया है कि वो लोग बता रहे हैं कि हमारा OMR सीट अलग आई है और स्कोर कार्ड अलग आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमको बताया कि हम जो करके आए थे वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है हमारे रिजल्ट में, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हमारा ऐसा आ सकता है रिजल्ट। तो काफी बड़ी तरीके से अगर हम बात करते तो एक स्कैम का काम किया गया है एनटीए द्वारा, और वही सारी चीजें धीरे धीरे जाके एक PIL पहले हाई कोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में दर्ज हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज हुई, और धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट में आपकी PIL दर्ज होती रही। फिर साथ ही साथ एक संगठन बनता हुआ दिखाई दिया, सब स्टूडेंट्स एक साथ हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, तब जाके एक पी और सारी PIL आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज होना शुरू हुई। हालांकि एक बात बहुत ज्यादा वो करती है कि एनटीए से जब इसका क्वेश्चन पूछा गया कि आपने किस हिसाब से 718 और 719 मार्क्स बच्चों को दे दिए, एक पल के लिए 720 वाले स्टूडेंट को साइड में रखते हैं, तो उनका एक नॉर्मल सा आंसर था कि उनको ग्रेस मार्किंग दिया है। और आज से पहले अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भी कभी कोई ग्रेस मार्किंग नहीं दिया गया है, और उनके जो रीजन था वो रीजन सुन के आप भी वो हो जाएंगे कि उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्किंग हमने उनके टाइम के बेसिस पे दी थी कि उनको कम टाइम दिया गया था, इसकी वजह से हमने उनको ये टाइम की ग्रेसिंग दी गई है।
और साथ ही साथ ये अकेले दो बच्चे नहीं थे जिनको ग्रेसिंग मिली है, उन्होंने बताया कि 5 अलग स्टेट से जिनमें बच्चों को ग्रेसिंग दी गई है। तो आप खुद सोचिए कि खुद समझिए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, कि किस बेसिस पे वो ग्रेसिंग दे सकते हैं। ऐसा कोई फर्दर अपडेट्स, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा नहीं है कि आप ग्रेसिंग मार्क्स किसी को, किसी भी बच्चे को किसी भी कारणवश दे सके। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि किस बेसिस पे, क्यों और कितने टाइम के लिए आपने ये जो टाइम स्कोर दिया है वो कैसे दे सकते हैं आप। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें सामने आती गई और धीरे धीरे लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लास्ट ईयर लास्ट डे की बात करता हूँ तो आपकी एक PIL फाइल हुई थी, उसकी हेयरिंग भी थी, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ वो 720 वाला टॉपिक नहीं उठाया गया था। मेन जो टॉपिक उठाया गया था वो आपका ग्रेसिंग को लेकर उठाया गया था कि NTA की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने NTA को आंसर मांगा है, रीजन मांगा है कि किस बेसिस पे आपने ग्रेसिंग करी है, वो हमको रीजन बताइए। बाकी काउंसलिंग में कोई भी स्टे नहीं होगा, ये चीज क्लियर करी है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं री एग्जाम की, तो वो भी कोई फर्दर अपडेट्स नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि 567 जो स्टूडेंट 563 सॉरी 1563 जो स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेस मार्किंग दी गया है, मोटा मोटा ऐसा कहा गया है, या जिनके 720 नंबर आया है, उनके ऊपर एक अलग से कमेटी बैठाई जाएगी और वो सारी चीजें, सारी उनकी MR शीट्स है वो सारी चेक करी जाएंगी, और वो जो भी ग्रेस मार्किंग दिया गया है जिस हिसाब से भी सारी चीजें, उनको फिर से रिशेड्यूल किया जाएगा। तो ऐसी चीजें की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसकी नेक्स्ट जो सुनवाई है वो आपकी 8 जुलाई रखी गई है। ये अब तक का सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है। वहीं पर हमारे अलग एक और PIL फाइल हुई थी जो कि हमारे फिजिक्स वाला की तरफ से हुई थी, जैसे कि आपको मालूम होगा, उनकी अभी हियरिंग नहीं हो पाई है, और उनकी भी हियरिंग मोस्ट प्रोबेबली आज तो पॉसिबल नहीं है, या फिर कल तक देखने को मिल सकती है, अलग पांडे जी जो हैं उनकी हियरिंग। तो उससे भी धीरे धीरे सारी चीजें, सारी जानकारी आपके सामने आती रहेगी। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि री एग्जाम होगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप अपनी काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए, अगर आप बाहर एडमिशंस के लिए देख रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस साल का जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं टफेस्ट होने वाला है। आप जो सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट गवर्नमेंट डीम्ड टोटल 1,09,000 के अप्रोक्स आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, और स्टूडेंट्स 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस साल क्वालिफाई हुए हैं। तो आप खुद समझ लीजिए किस हिसाब का कंपटीशन आपको गवर्नमेंट सीट्स पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्राइवेट और डीम्ड सीट्स में भी देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स का स्कोर कम आया हुआ है, 300 आया है, 350 आया है, तो वो आप इंडिया की काउंसलिंग अगर करना चाह रहे हैं, अगर बजट है तो करिए, मोस्ट वेलकम है, नहीं तो आप बाहर के लिए देख सकते हैं। बाहर के लिए जो भी अदर कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उनके लिए देख सकते हैं। जो भी फी स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसेस है, आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे एडमिशन्स प्रोवाइड कराने में वहां पर। और जो कोई भी फर्दर डिस्काउंट हमारी तरफ से जो चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, अगर वो भी होगा तो वो भी अवेल कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो होप करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।